मैं रीना कुमावत, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजसमंद। आज हम लामिस थ्योरम का एक एग्जांपल करते हैं। इससे पहले मैंने लामिस थ्योरम मैंने समझा दिया है इससे पहले वाले वीडियो में। अब हम देखें यहाँ पर लामिस थ्योरम क्या है और इसका हम किस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक हमें क्वेश्चन दिया गया है, यदि निम्न चित्र में बिंदु O पर लगे बल संतुलन में हैं तो P तथा Q के मान ज्ञात कीजिए। ये बिंदु O पर लगे तीन बल फोर्स, एक है 100 न्यूटन का, एक P और एक Q, तीन फोर्सेस लगे हुए हैं और ये तीनों ही संतुलन में या साम्य अवस्था में हैं, तो हमें P और Q का मान ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, P और Q का मान निकालना है। तो सबसे पहले ये डिसाइड हो गया। अब आती है हमारी लामिस थ्योरम। लामिस थ्योरम हमें क्या कहती है, वो अगर हमें ध्यान होगा तभी हम ये क्वेश्चन कर सकेंगे। लामिस थ्योरम होती है कि अगर तीन फोर्सेस संतुलन में हैं तो प्रत्येक फोर्स उसके अन्य दो फोर्स के मध्य कोण के साइन के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर हम देखें तो पी अपॉन साइन, लामिस थ्योरम लिख रही हूँ मैं, अल्फा इज इक्वल टू क्यू अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन गामा। अब यहाँ पर हम सबके मान निकालेंगे। पी हमें निकालना है, हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पर ये हमें मालूम नहीं है, ये हमने कर दिया। और क्यू, क्यू की वैल्यू भी हमें मालूम नहीं है इसलिए हमने ये लिख दिया। और आर, आर भी हमें, आर हमें दिया हुआ है 100 न्यूटन। अब हम अल्फा बीटा और गामा निकालेंगे। उसके लिए उससे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है, इसमें हमें पूरे सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री, मतलब ये पूरा 360 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर ये एंगल हमें निकालना, तो ये हम कैसे निकालें, 360 माइनस 135 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये दो एंगल हमें दिए हुए हैं, हमें ये ही नहीं मालूम था, वो हमने निकाल दिया। तो ये अगर हम माइनस करते हैं तो आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी हम करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं, 360 माइनस 135 माइनस 90 इक्वल टू आया 135 डिग्री। तो ये हमारे पास में एक एंगल और आ गया 135 डिग्री। अब यहाँ पर हम एंगल की बात करें तो P के सामने वाला एंगल, सामने वाले का मतलब होता है P व अन्य दोनों बलों के बीच का एंगल, तो दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है ये, तो इसको हम नाम देंगे अल्फा। अब Q के सामने वाला एंगल वही हुआ, सामने मतलब अन्य दो फोर्सेस के बीच का एंगल हो गया बीटा। और 100 या R, R के सामने वाला एंगल मतलब दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल, ये हो गया हमारे पास में गामा। तो ये हमारे पास अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू आ गई है जिससे हम यहाँ पर लिख लेंगे। अल्फा इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 135 डिग्री और गामा इज इक्वल टू भी 135 डिग्री है। अब इन सबको हम लामिस थ्योरम में इनपुट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो P की जगह P ही रहेगा क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं मालूम है। साइन अल्फा की जगह आ जाएगा हमारे पास में 90 डिग्री इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा की जगह आ जाएगा हमारे पास 135 डिग्री इक्वल टू R अपॉन साइन गामा की जगह भी आ जाएगा हमारा 135 डिग्री। अब हमें P, Q, R की जगह हमने वैल्यू रख दी, यहाँ पर हम 100 वैल्यू रख सकते हैं R की जगह, ठीक है। तो ये अब हम क्या करते हैं, एक बार इन दोनों को इक्वल करेंगे और एक बार इन दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारे पास P और Q की वैल्यू आ जाएगी। तो P अपॉन साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 अपॉन साइन 135 डिग्री। अब हमें P की वैल्यू चाहिए तो P को हम
बाहर रखेंगे और इसे पक्षांतर करेंगे या ट्रांसफर करेंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में गुणे में चला जाएगा, साइन 90 डिग्री अपॉन साइन 135 डिग्री। अब आपको मैं कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू भी निकालना सिखा देती हूँ। कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम पहले 100 टाइप करेंगे इनटू साइन, साइन की हमें मार्क दिया हुआ है यहाँ पर साइन 90 डिग्री, 90 डालेंगे, फिर यहाँ पे डिवाइड कर रखा है तो ये हम डिवाइड का मार्क करेंगे, फिर वापस साइन 135 है तो ये 135 डिग्री डालेंगे और ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा 141 141.42 क्या होगा न्यूटन। ये जिसमें यूनिट दी हुई होती है वही यूनिट ये होगी हमारी न्यूटन। इसी तरह से हम क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, क्यू अपॉन साइन 135 डिग्री इक्वल टू 100 अपॉन साइन 135 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर दोनों हैं सेम है। अब हम क्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्यू इज इक्वल टू, अब इसको हम उधर की साइड ले जाएंगे इनवर्स में, तो 100 इंटू साइन 135 डिग्री अपॉन साइन 135 डिग्री। इसको हमने ऊपर इन्वर्स करा है, ट्रांसफ़र करा है तो ये ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया और यहाँ पर अब हम यहाँ पे देखेंगे ये साइन से साइन क्रॉस हो जाएगा तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई 100 न्यूटन। हमारे पास दोनों फोर्स आ गए हैं जिसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आंसर आया है आपका, ये छोटा सा क्वेश्चन था और यही लगभग इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाते हैं। ये 100 है, क्यू और पी की वैल्यू हमने निकाल ली है। थैंक यू।